Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about Muslim scientist, Musliman scientist. First is Jabir bin Hayyan. His date of birth is 721 AD. His date of death is 803 AD. His place of birth is Iran. He wrote 70 books on chemistry. उन्होंने chemistry subject पर 70 books लिखी हैं. Jabir bin Hayyan is known as father of chemistry. Jabir bin Hayyan को chemistry का father कहा जाता है. He was the first chemist who has his own equipped lab. वो पहला साइंसदान है, पहला केमिस्ट है, जिसकी अपनी लेबोरेटरी थी. He prepared many acids, for example, hydrochloric acid, nitric acid. उन्होंने कई एसिड तैयार किए हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. ही प्रिपेयर्ड एक्वारेजिया. जाबिर बिन हयान प्रिपेयर्ड एक्वारेजिया. उन्होंने एक्वारेजिया तैयार किया है. एक्वारेजिया क्या है? व्हाट इज एक्वारेजिया? ए मिक्सचर कंटेनिंग थ्री पार्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वन पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड एक्वारेजिया. ऐसा मिक्सचर जिसमें तीन हिस्से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वन हिस्सा नाइट्रिक एसिड हो, एक्वारेजिया कहलाता है. एक्वारेजिया उर्दू में इसको आबे सुल्तानी कहते हैं और इसमें गोल्ड हल होता है. इस वजह से इसको एक्वारेजिया कहते हैं. थ्री पार्ट्स ऑफ HCl, वन पार्ट ऑफ HNO3, थ्री पार्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वन पार्ट नाइट्रिक एसिड. He also prepared white lead. उन्होंने white lead भी तैयार किया है. Lead वैसे तो lead Pb को कहते हैं, plumbum element है, लेकिन white lead जो है, ये lead carbonate और lead hydroxide के combination को कहते हैं. इसमें दो compounds होते हैं, lead carbonate PbCO3 dot PbOH2, lead hydroxide, lead carbonate dot lead hydroxide. उन्होंने व्हाइट लेड बनाने के तरीके भी दरियाफ्त किए हैं. He also introduced some chemical process. कुछ केमिकल प्रोसेस भी उन्होंने इजाद किए हैं, जैसे फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, मेटलर्जी. ये पहले दो प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और मेटलर्जी का जो है थोड़ा मैं आपको बताता हूँ. व्हाट इज मेटलर्जी? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन. The process of extraction of metals from their ores is called metallurgy. वो प्रोसेस जिसके जरिए हम एक ओर से मेटल निकालते हैं, मेटलर्जी कहलाता है. अब और क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जिससे हम जो मेटल निकालते हैं, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हासिल करते हैं, वो कंपाउंड उस मेटल का ओर होता है. और वो प्रोसेस जिसके जरिए हम कंपाउंड से ओर से मेटल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम मेटलर्जी कहते हैं. सो दिस वाज अबाउट जाबिर बिन हयान. The next is, second one is Muhammad ibn Zikriya al-Razi. His date of birth is 864 AD. उनका date of birth है. His date of death is 930 AD. His place of birth is Iran. He wrote 26 books. जाबिर इब्ने ज़िक्रिया अर्राज़ी ने 26 किताबें लिखी हैं, 26 बुक्स लिखी हैं.
एंड ही प्रिपेयर्ड अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। उसका अचीवमेंट क्या है, ही प्रिपेयर्ड अल्कोहल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। उन्होंने सबसे पहले फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए अल्कोहल तैयार किया है। उन्होंने सबसे पहले फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए अल्कोहल तैयार किया है। नाउ व्हाट इज फर्मेंटेशन, द प्रोसेस, वो प्रोसेस, इन द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्प्लिटिंग आर डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। वो प्रोसेस जिसके जरिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए उसको क्या करते हैं, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज करते हैं, जैसे एसिड्स में या अल्कोहल में। तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। सो ही प्रिपेयर्ड अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट अचीवमेंट क्या है, ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिवाइड कंपाउंड्स इनटू फोर टाइप्स। He is the first scientist who classified or divided compounds into four types. उन्होंने कंपाउंड को फोर में तकसीम किया था। He divided compounds into four types. उन्होंने कंपाउंड को फोर टाइप्स में तकसीम किया है। नेक्स्ट क्या है, he also divided organism into living and non-living organism. उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को लिविंग और नॉन लिविंग में तकसीम किया है। He divided organism into living and non-living substances. उन्होंने ऑर्गेनिज्म को लिविंग और नॉन लिविंग में तकसीम किया है, सो दिस इज अबाउट द सेकेंड मुस्लिम साइंटिस्ट हु इज मोहम्मद ज़िक्रिया अर्राज़ी।